अगर आपको कोई कुत्ते की पेशाब पीने को कहे तो क्या आप पियेंगे? बिल्कुल नहीं पियेंगे। लेकिन आज आपको बताने एक ऐसी लड़की की कहानी जो वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन वो पीती है कुत्ते की पेशाब। जी हाँ, चौंक गए ना आप। चलिए देखिए ये वीडियो, पूरा बताएंगे आपको। हाय गाइस, मैं उशान, आपका स्वागत है फैक्टबुल में एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, लोग सुंदरता पाने के लिए क्या क्या नहीं कर लेते। कभी चेहरों पे इनो रगड़ लेते हैं, तो कभी नींबू रगड़ लेते हैं, कभी कोयला रगड़ लेते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं गोरे होने के लिए और त्वचा में निखार पाने के लिए। ऐसे में अमेरिका भी पीछे की ओर है। अमेरिका में लीन नाम की एक लड़की है जिसने खूबसूरती पाने के लिए तो हद ही कर दी। जी हाँ, वो अपने पालतू कुत्ते की पेशाब पीती है, वो भी दिन भर में पूरा एक क्लास, और ये कई सालों से करती आ रही है। जैसे आपको बता दें कि लीन से जब पूछा गया तो उसने बताया कि बचपन में उसको बहुत पिंपल्स हुआ करते थे, तो उसने एक बार अपने कुत्ते की पेशाब पी ली और उसके पिंपल्स ठीक हो गए। उसके बाद से वो लगातार अपने कुत्ते की रोज एक बार पेशाब पीती है। उसे पार्क में टहलाने ले जाती है, वहाँ एक ग्लास में उसकी पेशाब इकट्ठी करती है और उसे गड़ागट पी जाती है बिना किसी घिन के। तो दोस्तों बताइए, ये खूबसूरती पाने के लिए ऐसा करती है, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? अब मुझे तो नहीं पता, पर कहने वाले ये कह रहे हैं कि कुत्ते की पेशाब के अंदर होता है विटामिन ए, विटामिन ई और कैल्शियम, जो कि कैंसर से लड़ने में काफी हद तक मदद करता है और चेहरे की ग्लो को बनाता है और चेहरे के कील मुहासे को हटा देता है। तो दोस्तों ये है कहानी एक लड़की की जो अपनी खूबसूरती पाने के लिए पीती है कुत्ते का पेशाब। क्या आप अपनी खूबसूरती पाने के लिए कुत्ते का पेशाब पी सकते हैं? भाई मैं तो कभी नहीं पी सकता, मेरे को भी बचपन में पिंपल्स है लेकिन मैं कभी नहीं कर सकता। आप भी मत करिए, कोई नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में तो कोई नहीं करेगा, ये अमेरिकी और चीनी लोग ही कर सकते हैं कुछ। तो दोस्तों आपको बताइए वीडियो कैसा लगा और कितना घिनौना लगा। अगर आपको ये ज़्यादा घिनौना लगा तो इसे एक लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, और आप ऐसे ही घिनौने वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे अजीबोगरीब वीडियोज़ लाते रहेंगे आप तक। घंटे का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको मिल जाएगी अपडेट इसे सबसे पहले। तो दोस्तों चलते फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।